स्वागत है आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो साथियों आज हम बनाते हैं एक टेस्टी वाली एकदम स्टार्टर जैसी भी है और सब्जी की तरह भी यूज कर सकते हैं क्रिस्पी आलू भिंडी। तो जो पिछले बार मैंने एक वीडियो दिया था कुछ दो चार दिन पहले कुकिंग टिप्स के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप पराठे के साथ कुछ सब्जियां जो जिसमें हम पानी नहीं यूज करते उनमें से ये एक सब्जी है जिसे आप स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं और आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ये 4-5 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होती और टेस्टी भी होती है क्रिस्पी आलू भिंडी। तो देखते हैं इसकी सामग्री। देखिए एक बड़ी कटोरी भर के करीबन हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए, धो के अच्छी तरह इस तरह पतले पतले लंबे काट लिए हैं और उसे थोड़ा सा सुखा लिया है। और यह भिंडी है करीबन 200 ग्राम के आसपास, ये आप थोड़ी सी छोटी भिंडी देखिए उसे भी अच्छी तरह धो के सुखा के लंबी लंबी काट ली है। ये है कुछ अमचूर पाउडर, हरा धनिया है, जीरा धनिया पाउडर है और ये काला नमक है और ये है रेड काश्मीरी चिली पाउडर और ये ऑयल है फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम हमारी गैस को ऑन कर लेंगे इस तरह से और हमारा ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमारा ऑयल काफी गर्म हो गया, अब हम एक दाल के सिर्फ पहले चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ हमारा तेल एकदम अच्छा गर्म हो गया, देखिए भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो रही है। अब हम इसमें धीरे धीरे सारी भिंडियाँ छोड़ेंगे, देखिए इस तरह से अब हमारी बाकी की भिंडी भी हम धीरे धीरे इसमें छोड़ देंगे बड़े आराम के साथ। देखिए जब आप इसमें भिंडी छोड़ दें तो गैस को थोड़ा स्लो रखिए, देखिए यह बहुत बढ़िया इस तरह से हमें इतनी ब्राउन हो जाएगी ना, एकदम आराम से हमने स्लो गैस पे की है। तेल बहुत गर्म हो गया, फिर गैस स्लो कर दीजिए। अब इसे देखिए आराम से आप इस तरह से बटर पेपर पे निकाल लीजिए, बस इतनी ब्राउन होनी चाहिए, इतनी क्रिस्प। देखिए यह हमारी भिंडी एकदम बढ़िया क्रिस्प रेडी हो गई है फ्राई करके। अब हम इसके अंदर हमारे इसी तरह आलू भी फ्राई कर लेंगे, इस तरह से हम इसके अंदर हमारे पोटैटोज भी छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। बड़े आराम से अपने करना है इसे इस तरह से, देखिए देखिए ये हमारे आलू भी कितने क्रिस्प हो गए एकदम ब्राउन, बस इसी तरह इतने ही हमें क्रिस्प करने हैं, बस उसके बाद हमें निकाल लेने। अब हम हमारी गैस को ऑफ कर देते हैं और इन्हें भी निकाल लेते हैं, देखिए इन्हें भी हम भिंडी के साइड में इन्हें भी निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए यह कितनी बढ़िया लग रही है आलू और भिंडी। अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा और ऑयल फ्री कर देते हैं इस तरह से बटर पेपर से, देखिए इसका एक्सेस ऑयल भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। एक और बटर पेपर यूज करेंगे हम, दूसरा भी, चारों तरफ से इसे हम इस तरह से ऑयल फ्री कर देंगे। देखिए देखिए ये पूरी तरह ऑयल फ्री हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसमें मसाले डाल के मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए हम यह पूरी आलू भिंडी को इसमें डाल देंगे इस तरह से, इसके बाद हम एक एक करके हमारे मसाले डाल देंगे। देखिए ये धनिया जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून जितना इस तरह डाल देंगे। इसमें हम हाथ से ही डालेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी और एक हाथ का स्वाद अलग ही होता है। ये हम डालेंगे अमचूर पाउडर जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टैंगी। ये है काला नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, करीबन 2 चुटकी नमक। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी काश्मीरी मिर्च पाउडर, यह भी हम करीबन 1 टीस्पून जितनी डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे, देखिए बहुत बढ़िया मिक्सिंग हो जाती है इस तरह, देखिए यह मिक्स हो गई। हल्का सा हम इसमें धनिया डालेंगे फ्लेवर के लिए, फिर से मिक्स कर लेंगे और यह इसे अभी सर्व करेंगे हम एक दूसरे बाउल में। अब हम इसे इसके अंदर सर्विंग के लिए निकालेंगे इस तरह, छोटी कढ़ाई या छोटे बाउल में जैसे भी सर्विंग बाउल आपके पास जो भी है उसमें इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए आप पूरी की पूरी इसमें इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए खाने के लिए रेडी हो चुकी,
इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। देखा आपने झटपट यह हमारी क्रिस्पी आलू भिंडी बनके तैयार हो गई। ऐसे लगता है हमें कि ये डीप फ्राई है तो बहुत ऑयली है, बिल्कुल नहीं है। आप इसे घर में ट्राई जरूर कीजिए। इसे आप ट्रैवलिंग में पराठों के साथ, क्रिस्पी पराठों के साथ ले जा सकते हो। आप इसे एज ए स्टार्टर भी खा सकते हो, कभी कुछ पार्टी है, कुछ फंक्शन है, देखिए बहुत टेस्टी लगती है। आप खाने के साथ भी ये डिश ऐड कर सकते हो, पिकनिक में ले जा सकते हो बना के कुछ पराठे या पूरियों के साथ। तो आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट के द्वारा बताइए आपको यह कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलिए अगली रेसिपी में फिर से मिलती हूँ। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।